नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। जैसे कि आपको पता है कि आने वाली 2 तारीख यानी 2 फरवरी से गुप्त नवरात्रि शुरू होने वाले हैं, और जैसे आपको पता है कि गुप्त नवरात्रि में बहुत ही बड़ी बड़ी साधनाएं होती है, बहुत ही गुप्त साधनाएं होती है, और उससे बड़े बड़े काम आपके बन जाते हैं अगर उन साधनाओं को आप अच्छे से करते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको कोई तांत्रिक साधना बताने वाला नहीं हूँ, बहुत ही आसान साधना बताने वाला हूँ जो कि बहुत ही आसानी तरीके से कोई भी कर सकता है, इसको आप भी कर सकते हैं। तो आप ही के लिए मैंने बहुत अच्छी साधना लेके आया हूँ, जिसको करने से आपके जो शत्रु है वो आपके विरोधी है, एक तो वो आपके वश में होंगे या वो शांत होंगे या वो आपके रास्ते से हट जाएंगे, और साथ ही इससे आपको धन की प्राप्ति भी होगी, धन धान्य भी आपके घर में आएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि यार मेरा तो कोई शत्रु ही नहीं है, मेरी तो किसी से लड़ाई हुई नहीं, तो मेरे शत्रु कहाँ से होंगे। लेकिन शत्रु का मतलब वो नहीं होता है जो आपके सामने से आके आपसे लड़े, वो शत्रु नहीं। आज की दुनिया में या आज के युग में जो शत्रु है वो बहुत प्रकार के होते हैं। जैसे लीजिए, आप एक स्टूडेंट है और आपको प्रतियोगिता परीक्षा देने वाले हैं, उसमें बहुत सारे कैंडिडेट, जाहिर है बहुत सारे कैंडिडेट उसमें अपने भाग्य को आजमाएंगे, तो वो आपके लिए शत्रु ही तो हुए, क्योंकि वो अगर आपकी सीट छीनते हैं तो वो आपके शत्रु हुए। तो ऐसे शत्रु हर जगह, आप मान लीजिए कोई सी फर्म में काम कर रहे हो, कोई सी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, आपके साथ के जो लोग हैं वो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं या वो आपसे आगे निकल गए हैं, तो वो भी तो एक तरह के शत्रु ही है ना। तो जितने भी लोग जो आपके साथ काम करते हैं या जो आपकी पोस्ट के लिए या एक पोस्ट के लिए बहुत सारे लोग आगे जा रहे हैं आपके साथ साथ, तो वो भी आपके शत्रु ही माने जाएंगे, या किसी और तरीके से आपको वो नीचे करने की सोच रहे हैं तो वो भी आपके शत्रु ही है। तो इसलिए शत्रु के ऊपर विजय प्राप्त करना या शत्रु को परास्त करना या शत्रु को रास्ते से हटाना, रास्ते से हटाने का मतलब ये नहीं है कि आप उन्हें मार देंगे या माता रानी उनको आके मार देंगी, ऐसा नहीं है, बल्कि वो आपको इतनी शक्ति देंगी माता रानी कि आप उनसे कम्पीट कर पाओगे। तो कॉम्पिटिशन जब हो जाता है, कॉम्पिटिटर बहुत सारे हो जाते हैं आपके रास्ते में, तो वो सारे आपके शत्रु ही है। तो इसलिए इस प्रयोग को अगर आप करते हैं तो आपके मार्ग में आने वाले जो शत्रु हैं या आपके जो विरोधी हैं वो शांत होंगे, और आपको साथ में धन धान्य की भी या मान प्रतिष्ठा की भी इसमें वृद्धि होगी। तो चलिए मैं बताता हूँ कि आखिर वो उपाय है क्या या वो साधना क्या है। तो देखिए, साधना बहुत आसान है। आपको क्या करना है कि नवरात्रि में यानी कि 2 फरवरी से लेकर 10 फरवरी के बीच में, यानी ये 2 फरवरी से लेकर 10 फरवरी तक की पूरी गुप्त नवरात्रि है, इसके अंदर आपको डेली शाम को दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय का आपको पाठ करना है। अब आपको दुर्गा सप्तशती कहीं भी मिल जाएगी, आप मार्केट से खरीद भी सकते हैं। तो उस दुर्गा सप्तशती में का जो 12वां अध्याय, टोटल अध्याय आपको मालूम 13 अध्याय होती है, उसका जो 12वां अध्याय है, सेकंड लास्ट अध्याय है, उसका आपको पाठ करना है डेली 9 दिनों तक आपको इस 12वें अध्याय का पाठ करना है। अगर आप अच्छे से शुद्ध रूप से और भक्तिभाव से पूरी श्रद्धा के साथ अगर आप ये पाठ करते हो, सप्तशती के 12वें अध्याय का पाठ करते हो, तो आपके शत्रु भी पराजित होंगे, आपके विरोधी भी आपके साथ हो जाएंगे, और आपको मान प्रतिष्ठा धन दौलत भी अवश्य प्राप्त होगी अगर आप इस गुप्त नवरात्रि में इस उपाय को या इस साधना को करते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल ज्योतिष मंत्र को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए विषय के साथ, तब तक आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।